दिल्ली के बाद अब यूपी में भी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल जिस दर्दनाक मौत के बाद अंजलि ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया, कमोबेश उसी तरह की बेरहमी अब उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से सामने आई है, जहां कौशल्या देवी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। पीटीसी संवाददाता के मुताबिक 1 जनवरी की दोपहर को 3 बजे पीड़ित छात्रा कौशल्या देवी अपनी साइकिल पर सवार होकर घर से कंप्यूटर क्लास के लिए निकली थी। तभी पीछे से आए कार सवार राम नरेश निवासी तुलसीपुर ने साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हैरत की बात तो ये है कि कार चला रहे राम नरेश ने कार रोकने की बजाय छात्रा पर कार चढ़ाकर भागने की कोशिश की, जिससे कौशल्या कार में फंसकर करीब 200 मीटर तक घिसटती हुई चली गई। हादसे में छात्रा बुरी तरह से घायल है। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने आनंद फानंद में उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। हम कोचिंग से घर जा रहे थे, तभी उन्होंने पीछे से टक्कर दे दी। फिर हम घसीट गए थे, फिर उसके बाद हमें नहीं मालूम कहां कहां चोट लगी है। पूरे शरीर में। क्या नाम? कौशल्या सिंह नाम। पीड़ित छात्रा की मां रेणु देवी ने थाने में आरोपी कार ड्राइवर नरेश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की कार को जब्त कर लिया। वहीं मंझनपुर पुलिस इस मामले की तफ्तीश का दावा करती हुई नजर आ रही है। थाना मंझनपुर में एक कार से एक साइकिल सवार छात्रा से एक्सीडेंट हो गया है। छात्रा को भी चोट आई है, कार सवार को भी चोट आई है। इसमें छात्रा का इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति सामान्य है और कार सवार का भी इलाज चल रहा है, अरेस्ट भी है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी भी स्थिति सामान्य है। FIR में दिखाया गया है कि 200 मीटर तक घिसटी गई कार पे। उन्होंने FIR में लिखा है, लेकिन ऐसी घटना नहीं है। उनको जहां उनका एक्सीडेंट हुआ वहीं वो गिर गई थी, साइकिल उनकी टूट गई थी, उस पे ही मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब उन्होंने तहरीर में दिया था तो उसको पंजीकृत किया गया। छात्रा की मां रेणु देवी की तहरीर के बकौल कार में चालक समेत अन्य कई लोग सवार थे जो नशे में धुत थे। हादसे के बाद सभी लोग वहां से भाग गए। पीड़ित छात्रा की बहन के मुताबिक कौशल्या देवी का एक हाथ और पैर टूट गया है और उसके शरीर का हर अंग बुरी तरह से जख्मी हो गया है और वो दिव्यांग भी हो सकती है। मेरी बहन कोचिंग पढ़ के घर जा रही थी, तो रास्ते में फोर व्हीलर वाला टक्कर मार दिया पीछे से, वो गिर गई। गिरने के बाद घसीट गई, घसीटने के बाद इसको खबर नहीं कहाँ कितनी दूर तक गई, कितनी दूर तक नहीं गई। और वो फोर व्हीलर वाला फिर हुआ और रेस कर लिया है, और इसके बाद फोर व्हीलर वाला ले जा गड्ढा में कूद गया। फिर फोर व्हीलर वाला ये नहीं पता भाग गया कि है नहीं है, वो इसको चोट कहीं भी नहीं लगी। कितनी चोटें आई हैं इसको? पूरे शरीर में चोटें आई हैं, पूरा एक पैर टूट गया है, पूरा पैल्विस से नहीं, 2-4 खंड भी हो गया है। लोग पैसा भी देने के लिए नहीं एग्री, ना कुछ हुआ है, ना काफ़ी दूर तक गई है। मेरा नाम शिवरानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।